बोल तू क्या बोल रही है? बोल 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 चोटिंग करके सब दाल चट कर दी। हम तो बोल रही है हमारे हिस्से का सारा सब्जी खा गई थी तो नहीं सब्जी चोरी सब्जी चोरी तू हमारे हिस्से का जो क्या बोलते हैं मट्ठा डका गई थी तो वो नहीं तू हमारे बच्चे और हमारे पति के हिस्से का सारा दूध पी जाती है सो नहीं हम ध्यान दिए थे हम टिंको के बाबूज को दिए अरे सुन 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 तुम्हारे मरे चिक्कन नहीं का हमारे मरे तो है रे चिक्कन रहेंगे नहीं हमारा खबर मरे मेहनत करते हैं तो और मरद का करता है हमारे मरे तो निकम्मा है चोर एकदम सही बोली अभी बचानी हो तुम अपना मरा का एकदम निकम्मा है तो और मरा पड़ता आती थी ना रेस बनाने के लिए चिक्कन तमाशा हो रहा है आना तो बताते हैं हमारे अरे तमाशा हो रहा है अरे 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 मार जूता का मुंह लाल कर देंगे चल जूता से मारिएगा हमको जूता से बाप जन्म का ये जूता पहने हैं शांत हो जाओ बीपी के दवाई ला रहे हैं खा लो लो अब पनिया कौन लाके देगा कैसा ही घुट जाए लेके आइए लो काहे पुतड़िए की तरह लड़ रही थी रे देखिए हम सबका शिकायत सुन सकते हैं अपना शिकायत सुन सकते हैं लेकिन हम अपना प्राणनाथ का शिकायत बिल्कुल नहीं सुन सकते हैं कौन शिकायत कर रहा था हमारी वही चुड़ैलिया कमचोरनी और कौन का बोल रही थी का बोल रही थी कह रही थी कि आप पेटू हैं घर का सारा हिस्सा का खाना आप ही खा जाते हैं ऐसा बोली और छोड़ के तो लिहाजे भूल गई एकदम भूल गई है बड़ा बड़का भैया करते रहते हैं जानते हैं क्या बोली वो आपको क्या बोली बोली चोर है चुट्टा है निकम्मा है काम चोर है और पता नहीं क्या बोली वो आपको साला हम उतना मरमर के खटते हैं वो हमको निकम्मा बोला अजी हम तो कहते हैं ना कि रोज रोज के किचके से तो बढ़िया है कि अलग हो जाते हैं जो मन करेगा वो खाएंगे वो पिएंगे और फिर बाद में आपका पेट भी दबाएंगे जानते हैं अपने पति को मलाई खिलाती है और आपको जो खखोरन बचा होता है ना वो दे देती है देखिए तो कैसे सूख गए हैं आप पहले 110 केजी के थे और अभी 90 केजी के हो गए हैं अरे जब हम लोग अलग हो जाएंगे ना जब हमारा चूल्हा अलग हो जाएगा तो हम आपके लिए तरह तरह का खाना बनाएंगे खिला खिला के आपको और गुलिया देंगे अपना सुबह अपना दोपहर अपना शाम होगा और बस आराम ही आराम होगा अभी तो बड़ा होवे के नाम पे वो छाली काट के खा रहा है आप तो घर के छोटे हैं आपको तो कोई पूछता ही नहीं है हम तो कहते हैं कि आज ही कुछ कर लीजिए छुटका नहीं छुटका का हुआ का इतना गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं का छुटका हम पेटू हैं हम का निकम्मा हैं अरे हमेशा तुमको हम छोटा भाई वाला प्यार देते रहे और तू हम भी आपको बड़ा भाई वाला इज्जत और सम्मान दिए थे प्यार पूजे थे आपका और आप हमको लात मार दिए पता नहीं था कि इतना मैल भरा है तुम्हारी बीवी ने हमारे खिलाफ तुम्हारे कान में अच्छा आप भी जर भरे भौजी के कान में हमारे खिलाफ ठीक है तो ठीक है सब अपन अपन देखो हाँ ना तोहर सुख में हम शामिल होंगे ना हमर दुख में तू शामिल होना तो बंटवारा 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 ठीक है जब आप सोच ही लिए हैं तो हो जाए बंटवारा हो जाए बंटवारा हाँ एकदम अच्छे से हो जाए बंटवारा तो ठीक है
जो छिपा लोटा गिला जो छुपा के रखे है ना, उसको निकाल के लेके आइए, क्या कि अब तक चम्मच चम्मच का बंटवारा होगा और अब आपका भी ऐठन अच्छे से छूटेगा। वो तो पते चलेगा कि किसका ऐठन छूटता है और किसका नहीं, समझी कि नहीं। चलिए जी, चलो चलो जी, चलो साहब कहाँ? हिंदुस्तान पाकिस्तान करे केकरा करे बड़का छोटका करे। बड़े जी छोटे जी, नमक का बंटवारा हो गया, अब आप लोग बर्तन वगैरह जो भी सामान है उसको लाके पंच के सामने रखिए, वो भी बंटवारा कर दिया जाए। अरे बेटा ये सब क्या कर रहे हो? अरे हम दोनों को मर जाने देते उसके बाद ही करते। हाँ बेटा, हमारे मरने तक तो रुक जाते। आप लोग कब मर रहे हैं? अरे ये हम कैसे बताएं, ये तो भगवान बताएंगे। फिर क्या करें रुक जाने को, कब तक रुके? कोई डेट तारीख होगा ना? अभी तो यमराज ही ना बताएंगे। तो यमराज के आते आते 100 बरस पार हो जाएगा आप लोग का, तब बताएगा का? ये रहा छोटका बर्तन और ये रहा बड़का बर्तन। पिताजी सब बर्तन आ गया, अब अपने हाथों से ही शुभारंभ कीजिए। ये क्या कह रहे हो शुभारंभ? अरे ये तो बर्बादी का प्रारंभ है। तुम दोनों जब साथ रहते थे तो हीरा मोती की तरह थे। मुंशी प्रेमचंद की कहानी कितना चाव से तुम लोगों को बचपन में पढ़ाया था, इसलिए कि आगे बढ़कर तुम लोग बड़े होकर इसी के तरह प्रेम से रहोगे। लेकिन चुड़ैलों ने तुम लोगों की मति भ्रमित कर दी है। जी नहीं तो नहीं, ये चुड़ैल किसको बोल रहे हैं? अरे बरगद पे दो चुड़ैल है ना, वही इनको परेशान करते रहती है। अच्छा हमको लगा हमको बोल रहे हैं, तो आज तो इनका भी बंटवारा कर ही देते हैं। शांत हो जाओ ना। शांत हो जाओ। अम्मा तू भी हाथ लगाओ ना। हे दीनानाथ, ये दिन दिखाने से पहले हमको उठा काहे नहीं लिए? उठा लीजिए उठा लीजिए। अम्मा बंटवारा हर घर में होता है, तुम्हारे घर में कोई नया नहीं हो रहा है, अब रोज सुबह से बांटोगे तो अच्छा लगेगा। ये बड़का का, ये छोटका का, ये बड़का का, ये छोटका का। हाँ जी सुने है कि माँ बाप की नजर में सब बच्चा लोग एक बराबर रहता है, तो ये क्या हो रहा है? छोटका को दे दिया बड़का बर्तन, आपको दिए एकती को, यही बराबरी कर रहे हैं आपके माँ बाप? काहे नहीं करेंगे, हम लोग हमेशा से माँ बाबूजी का ज्यादा मदद की है, तो हम लोग को नहीं करेंगे तो पड़ोसी को करेंगे। ज्यादा मत बोलो तुम, समझी कि नहीं? बड़का यो बोलने वाली, हम लोग का किए हैं? कुछ नहीं किए हैं क्या? पांच छह बोलने के लिए ज्यादा लबड़ लबड़ मत करो, तुमसे नहीं बोल रहे हैं हम। आप ज्यादा लबड़ लबड़ मत कीजिए, तुमसे बोलने का है गिर क्या यो बोले हमको? दोनों चुप करो, एक मेल का बर्तन नहीं ना है तो थोड़ा तो ऊंच नीच सहना पड़ेगा किसी ना किसी को। तो हम कहे सहे? तो हम कहे सहेंगे? हम कहे सहेंगे? पर भरोसा नहीं है ना तो अपने बंटवारा कर लो। अरे जा रहे हैं बटिया, नहीं जानते हैं। ठीक है
तो अब हम यहाँ बैठ के क्या करेंगे? अरे ये जी रुकिए ना चचा, पिताजी तो हमारा बर्तन का बंटवारा किए नहीं, अब आप ही लोग कर दीजिए। अरे तो आप लोग अपने बाबूजी माई का बातें नहीं सुनते हैं तो पंच का क्या सुनिएगा। चलिए जी, हम लोग भी बिना मतलब के समय बर्बाद कर रहे हैं। चलिए चलिए अपने से ना। अरे होगा तो कैसे बंटवारा होगा, सब गुरु गोबर हो जाएगा इतना मेहनत। ऐसा है, हम लोग आपस में बंटवारा कर लेते हैं। हाँ ठीक कहते हैं, चलिए चलिए बट ले। आप लोग बाहर का आ गए? चलिए अंदर बंटवारा हो रहा है, बैठ के माला जप रही हैं दोनों। चलिए, अरे चलिए चलिए। पकड़िए तो उधर से लगाइए, उधर साहब जरा ठीक से नापिएगा। ठीक है से हो रहा है भाई, भाई। अरे थोड़ा और उधर जाएगा। अरे इधर कहाँ बढ़ा दिए, थोड़ा उधर जाएगा। अरे साफ दिख रहा है कि तिरछा है, वो ईटा से मिलाओ तो अंधा भी बता देगा। अंधा बता देगा तिरछा है, एकदम सीधा है, फोर लाइन के जैसा। अरे भाई तनी मनी एन्ने उन्ने तो होबे करता है, सूता सूता नापिएगा तो कैसे काम चलेगा। ए अमीन साहब जरा बढ़िया से नापिएगा, समझे ना, नहीं तो देख लीजिए ईटा मार के कपार फाड़ देंगे। एक भी सूता इधर उधर हुआ ना तो महाभारत हो जाएगा, और उसके बाद आप अपने समझ लीजिएगा। अरे कोनो बात नहीं, आज देख लीजिए। थोड़ा सा ना कीजिए, टाइट पकड़ के रखे रहिएगा। देखिए अब ठीक है ना, रुकिए देख लीजिए। ठीक है ना, ठीक है ना सब लोग को। अब आटा ला के एगो लाइन खींच दीजिए लंबा। जाओ आटा लिया ले आइए, हम धैले यहीं पर से सीधा। इधर से खींचे, उधर से कि इधर से? इधरे से श्री गणेश कीजिए ना। अरे चुप रहिए, बड़का आन को समझाने वाला, समझाइए अपने बड़का भाई को। भैया तो ठीक है लेकिन आपका कोई भरोसा नहीं। हो गया। अरे पूरा कर दो। हम काय करे, बाकी वो अपना आटा से करे, हम ठेका लेकर रखे हैं का। हो गया यहाँ का। चलिए अब आपको हिसाब समझा देते हैं। देखिए ई बंटवारे के अनुसार घर का पूर्वी भाग जो है वो बड़े भाई को जाता है, ठीक है ना, आ पश्चिमी भाग छोटे भाई को जाता है। चापाकल जो है वो छोटे भाई को, आ पैखाना जो है वो जाता है बड़े भाई को, ठीक है। आई दरवाजा जो है अंदर आने वाला ई जाता है छोटे भाई को, आई ई जो सीढ़ी है ई जाएगा बड़े भाई को। बड़े भाई सुनिए, छोटे भाई ने तो मेरा फीस पहले दे दिया, आप भी मेरा फीस लेके घरे आ जाइएगा, आ तब तक हम बंटवारा का कागज बना के रखेंगे। बंटवारा का कागज लेके और उसको मुखिया जी के यहाँ से ठप्पा मार के उसको पक्का करवा लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा तो अब हम सब कुछ हो गया, ठीक है भाई। राम राम। राम राम। राम राम। ये जी बर्तन और जमीन के बंटवारा तो हो गया, अब माय बाबूजी के भी बंटवारा कर दिया जाए।